अब देखिए ट्रंप जैसा आदमी दूसरों को कह रहा है तुम गलत, लेट अस ड्रेन द स्वाम्प कह रहा है वो, पाक कर देंगे हम अमेरिका को, पाक कर देंगे दिल्ली को, बड़े करप्ट लोग हैं, मगर खुद कितना करप्ट है। हाउ इज इट दैट दिस इज हैपनिंग? क्या क्या, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इंटरनेशनल एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स राइट नाउ, बट ही सेड ड्रेन द स्वाम्प, ही सेड लॉक हर अप, कौन सी इसमें भी जाता है तो सारे लोग कहते हैं लॉकर अप लॉकर अप लॉकर अप, यही बात कि जो करप्ट लोग यहां बैठे थे उनको अंदर करो, लोगों की यही ख्वाहिश है। फ्रेंड्स, वी लिव इन द एज व्हेन लाइंग झूठे पॉलिटिशियंस आर अपियरिंग वेरी ऑथेंटिक। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स I was discussing the milieu, the context in which it is happening, is the inability to separate powers. देखिए, democracy का जो system है, it stands on an independent judiciary, an independent media, and an independent legislature, and an independent bureaucracy and executive. है ना, मालूम है ना, three pillars: the legislature, the judiciary, and the executive. And they say the fourth pillar is the media. कहते हैं? अब समझो अगर ये चारों मिल गए and play in harmony with each other, दोस्त बन गए, उसको जैसा होना उन्हें उसको जैसा होना, सब मिल गए, collusion. अब CBI और खुरैशी साहब अगर मिल गए तो क्या होता? कौन चोर कौन पुलिस, सब एक ही। कौन जुडिशियरी, वो भी साथ में मिल गया, अब क्या होगा? बर्बादी आएगी। वो हिंदू न्यूज़पेपर में डाल रहा, वो सीबीआई का कुत्ता फिर के अपने दिन को चाप ला रहा, ऐसा घूम के अपने दिन को चाप रहा उन्हें, क्या करें ऐसी हालत? आई मीन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड यू नो व्हाट, ये सब हुआ कैसे, किसने किया? दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। हु डिड दिस? हु गेव द अपॉर्चुनिटी टू दीज पीपल टू डू व्हाट दे आर डूइंग? सच में कहता हूं, ये ट्रंप की गलती है, ये मोदी जी की गलती है कि ये हालात आए? किसने किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इन लोगों को बुरा भला मत कहिए, डोंट से बुरा भला टू दीज पीपल। बुरा भला किसको कहेंगे आप, ये सोच लें पहले। Inability to manage conflicts of interest, to manage conflicts of interest. क्या है conflicts of interest, क्या होते हैं? I'll come to conflicts of interest a little later. There's a very interesting word, a phrase that I learned. The infrastructure of trust has collapsed. The infrastructure of Quran Majeed mein ek ayat hai surah Maida mein, ya ayyuhal lazina amanu, ke insaaf ke alambardar bano, ya ayyuhal lazina amanu takhul, ya ayyuhal lazina amanu kunu qawamina lillah wa shuhada bil qist, kharo insaaf ke alambardar bano। Insaaf ka jo system hota hai uske liye infrastructure hota hai, you provide the infrastructure for it, you provide this the pillars for it, you provide the windows for it, you provide the walls for it, otherwise justice will not happen. Similarly, the trust in society is built on a certain infrastructure, and today the media infrastructure, the judiciary infrastructure, the executive infrastructure, the legislative infrastructure, the social infrastructure has collapsed. The man does not trust a woman, aurat mard ko trust nahi karti aur mard aurat ko trust nahi karta, भाई भाई को ट्रस्ट नहीं करता, ये कोलैप्स हो गया। एंड देयरफॉर यू नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज वेयर द इस्लामिक आइडियोलॉजी कम्स इनटू प्ले। टुडे पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। एनीवे, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट? एनीबॉडी, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट? व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर? पैसे ज्यादा होना, नीड लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ पीपल वर्क विदाउट मनी। हाउ मेनी पीपल वर्क विदाउट मनी? इज एनीबडी विलिंग टू डू दैट?
Rather, let me say, phrase it in a different way. How many of us are willing to count extra monetary benefits of working? काम करने से पैसों के अलावा और क्या क्या कमाई है इसमें ये गिनने के लिए तुम तैयार हो के नहीं तैयार हो? नेकियां मिलते हैं, लोगों को फायदा पहुंचता है, बेनिफिट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, सोचते हो? When usually when we choose our courses, कौन से courses लेते भी लोगा बच्चे 12th standard के बाद कौन से कोर्स पढ़ना? स्कोप है ना, स्कोप, स्कोप का तो क्या क्या स्कोप का तो हाँ फुल कमाई होना, ऐसा जॉब होना, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन हिस्ट्री, बीए इन संस्कृत, बीए इन उर्दू, बीए इन सोशियोलॉजी, नहीं साहब उसमें स्कोप नहीं, पैसे नहीं. Nobody wants to do that. Nobody wants to love without money. Nobody wants to pray without fame and money. Nobody wants to serve people for no money. अब इस्लामी इस्तेलाह में हम जमात की इस्तेलाह है बेलौस ताल्लुकात बोलते हैं. बेलौस ताल्लुकात, खुलूस से नियत. नियत का सवाल कहां है? यह काम करने से फायदा क्या है? Society has given up its pursuit of knowledge for the pleasure of knowledge, for the beauty of knowledge. The only reason we pursue knowledge is for money. The only reason we pursue work is for money and fame and comfort. Khulus zindagi mein nahi raha. And that is what I wanted to point out in the initial beginning of my talk of what SIO is doing. Great about it. What is great is their policy intervention is selfless. इसमें ये SIO कुछ नहीं चाहती, इंसानों की भलाई चाहती है. दुनिया में खुदा की कसम इस तरह के बहुत ही कम लोग हैं जो selflessness के साथ काम करते हैं. ये है, अब बोलो नारे तकबीर. ये है जिंदाबाद. There's nobody else in the market who would do this. All other policy interventions, all other scientific interventions, everything that is published in the media is to advertise, is to make money, is to create influence, is to create political power. Nobody is selfless. Main khalis lillahiyat, Allah ki razamandi ke liye. Radu bi ay radiyallahu anhum wa radwan. कि अल्लाह की रजामंदी के लिए हम काम करते हैं, सेल्फलेसनेस के लिए काम करते हैं. क्या मिल जाएगा वो तौसीफ को? क्या मिल जाएगा बजरुद्दीन को? क्या मिल जाएगा इन लोगों को? यू थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग पावर? यू थिंक दे विल स्टैंड फॉर इलेक्शन? यू थिंक दे आर लुकिंग फॉर फेम? यू थिंक दे आर मेकिंग अ बक आउट ऑफ दिस? 9 लाख रुपए में कौन तो भी ये काम करके दिखा देंगे हमें? 90 लाख में नहीं कर सकते जो CRT ने काम किया है. यू कैन नॉट. And that's the greatness, that's the beauty, and that's what is fantastic about this. And that is what has broken completely in our society. And coming there, how much more time do I have? Yeah? Just, okay. Coming there, main ek ayat se shuru kiya. Inna allazeena yakhshawna rabbahum sura mulk ki ayat hai. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ये ईमानी قوت और कैफियत, this attitude of our ideology, कि Allah is watching, He is Latif, He can see the smallest of things in you. इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर. दिल के अंदर अगर कोई खलश हो, आंख की थोड़ी सी आपने उधर लड़की को देख लिया, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है. तुम तिरछे आंख से जो काम कर लिए, दिल से जो काम कर लिए, जो दबे अल्फाज प्राइवेट कमरे में जो कह दिया तुमने, अल्लाह जानता है. और जो शख्स इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, उस सोच के साथ अल्लाह से डरा और अपने आमाल को सही किया,
उसके लिए अल्लाह ताला बड़ा अजर देगा। जब ये गैब की बात निकल जाती है, व्हेन वी स्टार्ट बिलीविंग इन कैमराज, व्हेन वर्ड्स लूज मीनिंग, देखिए एक वर्ड है एक मीनिंग है, मालूम है ना, वर्ड फॉर्म है, मीनिंग गैब है, समझ में आ रहा। मीनिंग जो है इज ए नॉट सीएबल मेजरेबल थिंग, वर्ड इज अ सीएबल मेजरेबल थिंग। वर्ड से मीनिंग निकाल दिया जाता है, तिलावत होती है मगर मतलब नहीं रहता है। आदमी होता है उसकी स्पिरिट और डिग्निटी नहीं होती है, एक्शन होता है, अरे अरे क्या 1 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए, मगर नियत सही नहीं होती है। एक्शन है, नियत निकल गया। मटेरियल में बिलीफ है, पैसे में बिलीफ है, मगर पैसे के पीछे जो गैब है, हलाल है कि हराम है, अच्छा है कि गंदा पैसा है, इस पे नजर नहीं। जमाने की हालत, चुनांचे आप देखेंगे कि हमारे अंदर दीज फॉरेन आइडियोलॉजीज, दीज मटीरियल आइडियोलॉजीज, दीज पॉलीथीस्टिक आइडियोलॉजीज हैव एंटर्ड इनटू आवर ब्रेन्स, एंड देयरफॉर मुसलमानों में हिफ्स बड़ा पॉपुलर है, समझ नहीं है। हम समझते हैं कि हिफ्स करके चले जाएंगे। तिलावत करना पॉपुलर है, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना पॉपुलर नहीं है। मीनिंग निकल गया, बॉडी है। तजवीद सीखने आते हैं बच्चे, मगर उसके अंदर की स्पिरिट निकल जाती है। दाढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, लिबास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अंदर के एहसासात और गैब और तख्वा और खुलूस ये भूल जाते हैं। आज मुसलमानों की हालत यही है, और गैरों की भी। प्लेजर इज फिजिकल, इट डजंट मैटर वेदर इट इज अ मैन और अ वुमन दैट यू हैव प्लेजर विद, एज लॉन्ग एज यू गेट द प्लेजर, और नोबडी। औरत को एक बॉडी बना दिया गया, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया, रिलीजन को एक ड्रेस बना दिया गया। फ्रेंड्स, ऑल दिस लीड्स टू सो मेनी बीमारीज, कंज्यूमरिज्म, ब्रांडिंग एंड ब्रांड इमेजेस, पूरे ब्रांडेड कपड़े होना, यहां एक ब्रांड, यहां एक ब्रांड, यहां एक ब्रांड, इधर एक ब्रांड, बनियन में ब्रांड, अंडरवेयर में ब्रांड, अल्लाह वहां भी लिखना जॉकी बोल के, वो दिखना नमाज में। आई मीन लुक एट वेयर वी आर गोइंग, लुक एट आवर मैरिजेस, हु डू वी मैरी, हाउ डू वी मैरी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई टेल देम टू डू गुड वर्क एंड टेक पर्टिकुलर कोर्सेज, वी आस्क व्हाट इज द यूज, फायदा क्या ये काम करके। हमारे नजरें बदल गई हैं, हट गई हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, ये हमारे लिए चैलेंज है। दुनिया आज तय कर चुकी है कि पैसा ही सबसे बड़ा, जो दिखा वो सही, ब्यूटी इज इन द अपीयरेंस। हम वो लोग हैं, SIO ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहती है जो तख्वा, ईमान बिल गैब, खुदा का डर, खुलूस लिल्लाहियत, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड देयरफॉर इफ वी कैन क्रिएट पीपल हु विल परस्यू नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, हु विल बी जस्ट फॉर जस्टिस सेक, हु विल राइज अबाउ देयर पर्सनल नीड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। क्या क्या पर्सनल नीड्स क्या होते हैं? मुझे एक कार होना, एक अच्छा घर होना, है ना, एक अच्छा जॉब होना, जरा फेमस होना, मुझे भी जरा थोड़ा सा खाइजे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सो वी कॉम्प्रोमाइज, विल वी बी एबल टू क्रिएट इंडिविजुअल्स हियर हु विल फियर अ लॉ एंड नेवर लाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी विल ट्रस्ट देम। So the measure of your goodness is how many people trust you. हमारी यह हालत है कि हमारे अम्मा अब्बा हमका ट्रस्ट नहीं करते,
एक सिग्नेचर करोगे तो 10 बार देखो क्या घर लिखा ले रहा है कि प्रॉपर्टी लिखा ले रहा है कि करके देखती really? मगर दाढ़ी है, अल्लाह अल्लाह है, नमाज को जाते आते हैं, मगर भरोसा नहीं हमारे पर, हमें करते से काम द वे वी कंडक्ट अवर सेल्स, थोड़ा मसाला मस्का मिला तो उधर भाग जाते हैं। अम्मा बाबा देखते मालूम ही नहीं कैसा छोकरा, बोल को अच्छा दाढ़ी है, ऐसा वो है, सब है, मगर इसे जर्रा क्या तक नहीं मिला तो उधर चले आता। कोई नहीं लड़की मिली तो दावती काम करते करते शादी कर लेते। We see this so often, man. This guy fell for it. The moment he got a job in America, he was SIO को Tata bye bye बोल दिया, अमेरिका को चले गए। अभी थोड़ा सा इतना रत्ती पांच पैसे मिले दुबई को भाग गया। अरे इतना अच्छा काम कर रहे थे, पॉलिसी इंटरवेंशन कुछ बड़े बड़े बातें कर रहे थे भाई, मगर वो साहब ने पांच रुपये दिया भाग गए। पांच रुपये में भागा सोदनी दुनिया चला सकता है क्या? आप पे भरोसा करेगी दुनिया आज? सोचिए इस पर। This is the ideological challenge that is being posed to the Muslim community. And the technology, the social media, the world, we should have used it to our advantage. देखिए दो लोग कितने गंदे हैं, ये देखिए लोग कितने पाक हैं, ये हमको बोलने का होना चाहिए था, but we lost the race. And inshallah, we will use these technologies to show that you are bad and we are so clean and beautiful. The world, we should have been exposing the beauty. This is our opportunity, brothers. This is our opportunity. When the world has exposed itself in its dirt, that is the moment we should have waited and proved to the world. Duniya chor ho sakti hai, issayo ka bacha chor nahi ho sakta hai. This is what we should have said. Hum aankh niche rakhte hain. Bet khali ho to ho, maar hum sach bolte hain. Mera libas branded nahi to kya? Mera chota ghar hai to kya? मैं वही काम करूंगा जो अल्लाह को पसंद है, ये कहने वाले कहां हैं? नजरें ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, मिलते नहीं हैं लोग। That's the crisis that we live in today, and that's the sadness of what we are. I was asked to speak on living in a pluralistic society and what to do about it. I think that's too much. But let me tell you, once you develop this kind of a character and an attitude and an ideology and instill this into people, all you need to do is create interfaces with the other communities in the world today and let them know what you are made of. Hamara jo banavat hai iske andar khulus hai jo duniya mein milti nahi hai, hamari jo banavat hai isme taqwa hai jo duniya mein nayab hai. If we create, go out to the world and say that insaaf chahiye to inke paas jao, haq chahiye to inke paas jao. Friends, phir nare hum nahi marenge, nare wo marenge inshallah. Jazakallahu khair wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin.